जयपुर के रामगंज इलाके में तनाव देखने को मिला है। ई रिक्शा और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर के बाद ये विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। रामगंज इलाके में पथराव और मारपीट का मामला सामने आया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जयपुर के रामगंज इलाके में देर रात दो पक्षों में झगड़ा हुआ। ई रिक्शा और बाइक में जबरदस्त टक्कर के बाद ये बवाल शुरू हुआ और देखिए किस तरीके से इसके बाद का घटनाक्रम आपके सामने है। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाकर रामगंज थाने का ही घेराव कर दिया। गुस्साए लोगों ने आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ तक कर दी। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझा कर मामले को शांत कराया है। भिड़ंत लेकर एक ही रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में हल्की फुल्की मारपीट हुई और उसी बात को फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भीड़ जमा हो गई रामगंज थाने के आगे और दोनों ही पक्षों से हमें FIR मिली है। नहीं देखिए, अगर इस तरह की कोई भ्रामक बातें फैला रहा है, गलत बातें फैला रहा है कि आगजनी हुई है, ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दो लोगों के बीच में मारपीट हुई थी जिसको अगर कुछ लोगों के द्वारा दो समुदाय के बीच में मारपीट बताकर गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो इस पर अगर हमें इस तरह का कोई भी प्रूफ मिलता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का बातें फैलाई हैं तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। अराजकता फैलाने के लिए आतुर शहर के अंदर इतनी शांति से शहर चलता रहता है, कुछ ही दिनों में उन लोगों को पता नहीं क्या होता है कि वो शांति से रहना ही नहीं चाहते। जयपुर शहर की जो गंगा जमुना तहजीब के लिए हम जाने जाते हैं उसको बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अभी ये लोग यहाँ जयपुर के हैं या बाहर से आके यहाँ करते हैं ये आज का विषय है, लेकिन मेरा बस आपसे इतना ही कहना है जयपुर शहर के सभी वासी शांति बनाए रखें और जो भी आज देखा जाए तो छोटी सी बात को भी वहाँ से लेकर के जो इन्होंने पत्थरबाजी की है किसी को भी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है और कोई भी इस तरीके का व्यक्ति करता पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।